अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह हरिपुर बाजार के दुर्गा मंदिर प्रांगण में हरिपुर पतंजलि योग समिति की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिविर का आरंभ वेद मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। वहीं इसके पश्चात योग शिविर का आयोजन किया गया, जिस दौरान खड़े होकर, बैठकर तथा लेटकर आसन किया गया। वहीं इस दौरान कपाल भारती, अनुलोम विलोम सहित विभिन्न योगासन किया गया। योग प्रशिक्षक मनोज बर्णवाल, दिनेश पासवान, मीना रानी घोषाल, केदार बर्णवाल, प्रदीप बर्णवाल द्वारा लोगों को योगासन कराया गया तथा योगा करने से होने वाले लाभ के विषय में भी जानकारी प्रदान किया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक मनोज बर्णवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सहित लगभग 200 देश योग दिवस का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोग मुक्त तथा दवा मुक्त जीवन यापन करने के लिए नित्य दिन योग करें, योग रखें निरोग, इसीलिए योग करें और रोज करें। योग प्रोटोकॉल का पालन किए, अंतर्राष्ट्रीय 10वां योग दिवस पालन किए, जो कि आज हमारे देश ही नहीं पूरा विश्व के 200 से अधिक देशों में पालन किया जाएगा और किया जा रहा है। हमारे स्वामी जी श्रद्धेय रामदेव जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों का रोज दैनिक योग कक्षा चलता है। विगत 10 वर्षों से हम लोग दैनंदिन योग क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमारे भाई और बहन सभी योग साधक साधिकाएँ आते हैं और दैनिक योग का लाभ लेते हैं और हम लोग रोग मुक्त जीवन और दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं। योग से कितना लाभ होता है ये कहना असंभव है, जितना भी कहें कम है। इसीलिए सभी व्यक्तियों के लिए करें योग, रहे निरोग, रोज करें योग करें। आपका परिचय? हमारा परिचय, मैं यहाँ का योग शिक्षक हूँ मनोज बर्णवाल। हमारे साथ में हमारे योग शिक्षक हैं श्री दिनेश पासवान जी, केदार बर्णवाल जी, प्रदीप बर्णवाल जी, हमारी माता मीना रानी घोषाल जी और हमारे सभी भाई बहन योग साधक साधिकाएँ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताजा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।